नमस्कार। आप सब जानते हैं कि आज दादरा नगर हवेली का मुक्ति दिन का पावन अवसर है, तो इस पावन अवसर पर मैं दादरा एवं नगर हवेली की समस्त जनता को शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें पूरे देश से देर से आज़ादी मिली। 2 अगस्त 1954 में हमें आज़ादी मिली। इसके चलते बाकी देश के राज्यों से हम पीछे आजाद हुए, जिसका खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। बाकी राज्यों में लोकतांत्रिक प्रणाली बहाल हुई और हम आज भी केंद्र शासित प्रदेश बनकर राष्ट्रपति शासन में जीने को मजबूर है, जिसका खामियाजा हम कितने सालों से भुगत भी रहे हैं। हाल ही के 5-7 सालों की बात करें तो यहाँ पर तानाशाही भरा प्रशासन इन पर थोपा गया, जिसके चलते हमारे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल पैदा हुआ। काफी सारे हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने आत्महत्या तक की और कहा जाता है कि वो आत्महत्याएं कहीं ना कहीं प्रशासन की गलत नीतियों से, प्रशासक जी के अडेल नवैये से भी हुई। चिकनेश काछिया जी, एसएस बोया जी, शिक्षिका बहन अपना घर बचाने के लिए निकले हमारे दया थलिया के जयंती भाई, एक कंडक्टर की नौकरी करने वाली हमारी आदिवासी बहन और सबसे बड़ी होनारत उसको मानेंगे, मसीहा माने जाते थे आदिवासियों के मोहन भाई डेलकर जी, जिनको भी अपनी शहादत देनी पड़ी। फिर भी हमारे प्रदेश में जो एक अराजकता का माहौल तानाशाही द्वारा चलाया गया, प्रशासन सुधरा नहीं। आज आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद हमारी जो आज़ादी के सपने हमने देखे थे वो साकार नहीं हो पाए। आज भी शिक्षण के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या रोड रास्तों से लेकर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो भारत के अन्य राज्य की तुलना में हम पिछड़े हुए हैं और पिछड़ते ही जा रहे हैं। आज हालत यह है कि सरकारी हॉस्पिटलों में हमें मुफ्त में इलाज तक नहीं मिलता, स्कूल सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, रोड रास्ते खुदे पड़े हुए हैं, लोगों के घर मकान दुकान बेदर्दी से तोड़े जाते हैं। आज पंचायतें, जिला पंचायतें, नगर पालिकाएं, स्वराज्य संस्थाएं पावरहीन बनी है। स्वराज्य संस्थाएं मजबूत से मजबूत होनी चाहिए, पर दुखद है कि आज स्वराज्य संस्थाएं बैसाखी पर है, ऐसा कहे तो कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं आशा रखता हूँ कि दादरा नगर हवेली और हमारे दमनदीव की जनता अब आज़ाद हो और आज़ादी की जो लहर है वो उनमें भी पैदा हो, वो लहर के साथ साथ अंदर एक आग भी पैदा हो और आज़ाद है हम वो सब मान लें, ताकि कोई तानाशाही हम पर तानाशाही से प्रशासन ना चला सके। मैं फिर से आप सभी दादरा नगर हवेली वासियों को आज़ादी के पावन अवसर की शुभकामनाएं देता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त सुखमय हो, मंगलकारी हो और सही मायने में आज़ादी का पर्व बनकर आए, ऐसी उम्मीद करता हूं। दुखद तो ये भी है कि आज हमारा मुक्ति पर्व का पावन दिन है, फिर भी हमें छुट्टी नहीं मिली है, ऐसे विशेष कार्यक्रम भी नहीं किए जा रहे हैं, वो भी बहुत दुखद है। उम्मीद है आने वाले समय में सब कुछ कुशल मंगल होगा। आप सबको आज़ादी पर्व की बहुत शुभकामनाएं।